हेलो दोस्तों, मैं नाम सुभाष। आज मैं फिर से लेके आऊँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने पहले भारत की अवस्थिति के बारे में पता कर लिया था। भारत की स्थलीय सीमा जो मैंने नहीं बताई है वो मैं अभी इसमें भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन के अंदर मैं थोड़ा बता दूंगा। आज अपन पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन। तो इसका आधार क्या होगा, कभी आपने सोचा है? आपने सीधा पढ़ लिया होगा, नहीं भौगोलिक भारत का प्राकृतिक विभाजन छह भागों में बांटा गया है। इसका आधार क्या है? इसके विभाजन का आधार तो होगा ना। देखो तब इसका विभाजन का आधार देखते हैं ना। विभाजन का आधार तो क्या होगा? इसका आधार तो देखिए, पहला आधार इसका क्या होगा? भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास भारत की पूरा उच्चावाची दशाए। थर्ड क्या होगा इसका? पारिस्थिति की प्रभाव। चौथा इसमें क्या होगा? भारत की विवर्तनिक क्रियाएं। ठीक है, वहीं अपन देखेंगे भारत की पूरा जलवायविक पूरा जलवायु दशा है। ठीक है, तो हाँ, भारत का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन का आधार क्या होगा? पांच आधार हो गए। क्या हुए? पांच आधार, यानी भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत का पूरा उच्चावचीय दशा है क्या थी। वहीं पारिस्थितिक प्रभाव भी बना होगा भारत पर, वहीं भारत की विवर्तनिक क्रियाएं हुई होगी, वहीं पूरा जलवायु दशा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन का आधार है। वहीं अब देखते हैं अपन आगे, देखो दो चीजें ध्यान रखना। जैसे कि कोई पूछ ले आपसे भारत का भूवैज्ञानिक आधार पर विभाजन, कोई एक पूछ ले आपसे भारत का भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर विभाजन। देखिए अब देखिए भूवैज्ञानिक, ये याद रखना क्या है? भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक आधार पर भारत कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। वहीं भौगोलिक आधार पर भारत कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में। तो पहले मैं तीन बता देता हूँ आपको, जैसे कि उत्तरी पर्वतमाला व अन्य पर्वतमाला पहला, दूसरा हो जाएगा इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। वहीं भारत का भौगोलिक आधार पर विभाजन छह भागों में बांटा गया। इसके बारे में आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं, एक बार लिख लेता हूं मैं। जैसे कि पहला है उत्तरी पर्वत माला एवं उत्तर पूर्वीय पर्वतमाला, पहला एक ये। दूसरा है भारत का उत्तरी मैदान। क्या है? भारत का उत्तरी मैदान। थर्ड क्या हो जाएगा? जैसे संख्या क्या आ जाएगा अपना? प्रायद्वीपीय पठार या फिर भारत।
फोर्थ पे आ जाएगी तटीय मैदान, और फिफ्थ पे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और सिक्स पे कौन सा आ जाएगा, भारतीय द्वीप समूह, क्या आ जाएगा, द्वीप समूह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैठक भूवैज्ञानिक आधार पर विभाजन किन भागों में किया गया, वही भौगोलिक आधार पर विभाजन किस में किया, छह भागों में। ठीक है, तो छह में कौन से, उत्तर पर्वतीय माला एवं उत्तर पूर्वी भारत माला, भारत का उत्तरी मैदान, पहली भी पठार भारत, वही तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल व द्वीप समूह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भूवैज्ञानिक आधार पर अपन देखते हैं तो क्या है, उत्तरी पर्वतमाला एवं अन्य पर्वतमाला, वही सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे अपन, वो पैरी की भारत। तो सबसे मेन फोकस अपना इस पे रहेगा, हालांकि इलेवन की एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हाँ इंक्लूड हो जाएगा इसके साथ ही, आपको थोड़ा बता दूंगा। तो अपन सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, हाँ एक बार आपको पूरे भारत के मानचित्र पे इसको बता के बताया दो, हाँ कहाँ कहाँ पर क्या अवस्थित है। ठीक है, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ, हाँ किसी को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अपन आज सबसे पहले एक बात मैं डायग्राम बता देता हूं, ये अपना ये अपना भारत द्वीप समूह है। अब देखो भारत के उत्तर, उत्तर में क्या हो गया, ये वाला, जैसे कि आप देखना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको देखो तो यहाँ पे क्या है अपना, ये यहां तक फैला हुआ है, क्या है ये अपना हिमालय, क्या है हिमालय, वही इसके जस्ट नीचे थोड़ा हरियाणा को लेके, पंजाब को लेके, थोड़ा सा राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश से जाते हुए आप झारखंड थोड़ा ऐसा लेके और पश्चिम बंगाल तक, जी थोड़ा इधर भी जाएंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है अपना, उत्तरी मैदान, क्या है उत्तरी मैदान। वही इसके यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता होगा अरावली है, अरावली के इस साइड पे यहाँ पे क्या है, भारतीय मरुस्थल, क्या है भारतीय मरुस्थल। वही एक त्रिकोण आकार का इस शेप में कुछ इस शेप में क्या है अपना प्रायद्वीपीय पठार, वही प्रायद्वीपीय पठार के इस साइड में ही तट व पठार के बीच में ये क्या है अपना तटीय मैदान, क्या है तटीय मैदान, तो ये अपने क्या हुआ द्वीप समूह, ये आपको पता है वो ये क्या है लक्षद्वीप, वो क्या है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख लीजिए कि बात तो उत्तर में क्या है हिमालय है, उसके बाद में क्या है उत्तरी मैदान है, उसके बाद में पश्चिम में देखेंगे तो बाकी मरुस्थल है, उसके बाद में क्या है पैदवी पठार है, फिर तटीय मैदान है, द्वीप समूह। तो ये बात आपको समझ में आई होगी आई होप, तो प्लीज एक बार ये इसी कॉपी में आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हाँ एक चीज मैं बता दूं मैं आपको, कहीं इसी में लिख दीजिए पैदवी पठार है ना भारत का सबसे प्राकृतिक भाग है,
सबसे प्राकृतिक है, सॉरी सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। उसके बाद हिमालय सबसे नवीनतम है, क्या है, हिमालय नवीनतम वलित पर्वत, ठीक है। भारतीय मरुस्थल और ये उत्तरी मैदान, इसका भाग है 33 सागर का, क्या है, 33 सागर का, ये बात को ध्यान में रखनी है। तो आप एक बार लिख लीजिएगा, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय भारत का सुरक्षा प्रहरी, देखो हिमालय भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में फैला है। तो देखो भाइयों, अब हम सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या पढ़ेंगे, हिमालय सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिमालय में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे अपन, ठीक। हिमालय की उत्पत्ति के दो सिद्धांत है, कितने सिद्धांत है, दो सिद्धांत है। पहला है कोबर का भू संगति सिद्धांत, कोबर का भू संगति सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, हैरी हेस का, हैरी हेस का पेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। तो अब देखो, देखो मेन बात, अब आ रहा है आपको सोचने की जरूरत, मतलब कि आपको थोड़ा इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी इन दोनों टॉपिक पे, क्योंकि हाँ क्योंकि भूगोल क्या है, सोचना, मतलब आप कितना गहरा सोच सकते हो, कि कैसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्या कैसे निर्माण होता, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं है कि हाँ हुआ कैसे, लेकिन कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिया है, तो आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, देखो सोचना तो पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हलवा मिल जाएगा आपको, नहीं, तो डाटा पे मत ध्यान देना, और एक बार प्लीज समझने का कोशिश करने की, नहीं हुआ तो हुआ कैसे, थोड़ा इमेजिन करना कि ना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कोबर का भू संगति सिद्धांत क्या देखेंगे, आप हेडिंग डाल दीजिए, कोबर का भू संगति सिद्धांत। देखो कोबर कौन है, ये हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत है। आपने सिर्फ प्लेट विवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ, लेकिन कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सबसे अच्छा सिद्धांत या जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है, तो कौन सा है, कोबर का भू संगति सिद्धांत, मतलब कि ये हिमालय की उत्पत्ति का ध्यान कराने वाला सबसे मान्य सिद्धांत है, मान्य सिद्धांत है, ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए पहले पृथ्वी, आप हाँ पृथ्वी मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा अच्छा सा लगा दो, फिर आप देखिए जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, क्या है, अपनी पृथ्वी, ठीक ना। एक विद्वान हुए थे, उनका नाम था वेगनर महोदय, क्या नाम था, वेगनर महोदय, उन्होंने सिद्धांत दिया था 1911 में,
ठीक है ना। तो सिद्धांत का क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि पहले जितने भी महाद्वीप है ना पूरे विश्व में, सात महाद्वीप जो आपने सुना हो, जितने महाद्वीप वो एक थे। क्या थे? एक। हाउ इज इट पॉसिबल? सोचने वाली बात है, कैसे? तो उन्होंने बताया कि पहले वेगनर महोदय ने बताया कि पहले एक महाद्वीप था। ठीक है, एक महाद्वीप था, इसका नाम क्या था? देखो, वो एक पूरा महासागर। क्या नाम बताया था? ठीक है, एक महासागर था और एक महाद्वीप था। महासागर का नाम रखा उन्होंने पेंथालासा। क्या नाम रखा? पेंथालासा। और वही महाद्वीप का क्या नाम था? पेंजिया। क्या बताया? पेंजिया। ठीक है, लोग आप आगे थोड़ा देखना। अब देखो, जब मैं ना ये पढ़ाऊंगा आगे तो उसमें थोड़ा आगे बताऊंगा, मतलब कि जब देखने का सिद्धांत बताऊंगा मैं आगे तो उसमें थोड़ा डीप में जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। ये पेंजिया, तो उन्होंने क्या बोला, ये पेंजिया है ना, ये दो भागों में बटी है। ये पेंजिया है ना दो भागों में बटी है। तो उन्होंने, ठीक है, यहाँ से दो भागों में बटी है। तो उन्होंने क्या बोला, नीचे वाले का नाम गोंडवाना लेन, गोंडवाना लेन, और नीचे ऊपर वाले का नाम लोरेशिया लेन, लोरेशिया लैंड। क्यों उन्होंने बोला कि जो पेंथालासा था ना वो तो था ही, उन्होंने बोला कि लोरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर का निर्माण हुआ। क्या हुआ? एक सागर का निर्माण हुआ। इसको नाम दिया उन्होंने तेथिस सागर। क्या दिया? तेथिस सागर। ठीक है, अब मैं आगे बोलूँ फिर से। तो उन्होंने बोला कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड कालांतर में इनके और विभाजन हुए। ठीक है, कालांतर में इनके और विभाजन हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्कूल से बता रहा हूँ, गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं भारत में ही बना रहा हूँ, ध्यान रखना, मत बोल देना कि भारत कहाँ जाओ, आएगा अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या बताया कि विषुवत रेखा से, है ना, जैसे कि डीसी वाले है ना, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया अपना, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया मानना अभी, मैंने क्या बोला, मानना है, सोचना है कैसे, ये भारत, ये है मेरा लास्कर, तो वहीं नीचे देखेंगे अपन, तो ये क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, भारत, तो अंटार्कटिका क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका है अपना, भारत भी है, और क्या है, मेडागास्कर है, दक्षिण अमेरिका है, और लास्ट में क्या है अपना, अंटार्कटिका। ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। वही अपन देखते हैं, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और ये अपना एशिया महाद्वीप, और ऊपर क्या रहेगा अपना, ये अफ्रीका।
तो ये किसका बात था? ये थे लोरेशिया की। किसका बात था? लोरेशिया की। ठीक है, लोरेशिया के भाग कौन थे? उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप और एशिया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना। अब देखो उन्होंने क्या बताया फिर आगे, देखो मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इधर गति की थी, इधर गति की थी, इधर गति की, ये क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की इधर गति की थी, इधर यानी पूर्व की तरफ, कहाँ गया था ये? पूर्व की तरफ। ठीक है ना, ये चला गया, चला गया ना, इसको फेंक दिया अपने, इसको अपने पूर्व की तरफ फेंक दिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ बचा भारत। भारत तो दिशा की उत्तर पूर्व दिशा में, कहाँ गति की? उत्तर पूर्व। ये भारत ये गया यहाँ से, यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना। कितना? भारत, भारत ने कहाँ गति की? उत्तर पूर्व दिशा में। तो अब देखो, अब आ रहा है अपना कॉपर का सिद्धांत। ये जो भाग है ना, पैदीपीय भाग भारत का, ये कौन सा भाग है? पैदीपीय, पैदीपीय भारत। अब देखो कॉपर ने क्या बताया था? कॉपर ने बताया था कि जब पैदीपीय भारत और पैदीपीय भारत, ये कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट, है ना? भारतीय भारतीय प्लेट बोल सकते हो तो, ठीक है ना? तो उन्होंने बताया कि हिमालय, जैसे कि यहाँ पे नदियां बहती थी, बहती थी ना, अब थोड़ा इसको बड़ा सा कर देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा सोचना। जैसे कि ये मान लीजिए, भारत, ये मान लीजिए आप यूरेशियन, या फिर आप मान लीजिए एशिया, मान लेना अभी तो एशिया, ठीक है ना? जिसके बीच में सागर था, ठीक है ना? सागर कौन सा था? टेथिस सागर। ये कौन सा? पैदीपीय भारत। अब देखो कोबर महोदय ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी, क्या थी? बहुत सारी नदियां थी, बहुत सारी नदियां थी, वह यहाँ पर भी नदियां होगी, ठीक है? कोबर महोदय ने बताया यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी जो बहती थी, जो अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में, मतलब कि नदियों द्वारा टेथिस सागर में जल गिराया जाता था। ठीक है, अब आपको पता है कि नदियां साथ में क्या लिखी जाएगी? अवसाद। क्या लिखी जाएगी? अवसाद। तो ये नदियां है ना सारी, वो सारी क्या लिखी जाती थी? अवसाद। क्या लिखी जाती थी? अवसाद। तो जो अवसाद लगने के कारण ये है ना, टेथिस सागर क्या वो बढ़ने लगा। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे इस डायमेंशन में बनाता हूँ, मतलब ऊर्ध्वाधर बनाता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे देखना, ऐसा ये नदी आ रही है, ठीक है? ये नदी आ रही है, सॉरी साथ में क्या लिखा रही है? अवसाद। अवसाद लिखे रही है ना, तो अवसाद लेके रही, इकट्ठा कर रही है, ठीक है ना? अवसाद इकट्ठा करने के कारण कोबर महोदय ने कहा टेथिस सागर का अवतलन हुआ। क्या हुआ? अवतलन, मतलब कि ये जो अवसाद था ना, धीरे 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 क्या हुआ? अवसाद, मतलब क्या? अवतलन होने लगा। टेथिस सागर का क्या हुआ? अवसाद का अवतलन होने लगा। अवतलन के कारण क्या हुआ?
ठीक है ना। अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया हो तो एक मिनट। उन्होंने क्या बोला, जैसे कि ये नदी यहां से लेके आ रही है, अवसाद लेके आ रही है, इधर से नदियां अवसाद लेके आ रही है, साथ में क्या लेके आ रही है, अवसाद नदी, अवसाद नदी, अवसाद यहां पे भी सेम है, ठीक है, नदी अवसाद। तो ये क्या हुआ, धीरे 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 चैत्य सागर में गिराने लगी, ठीक है, क्या हुआ, अवसाद गिराने लगी, अवसाद गिराने लगे। इससे क्या हुआ, तैतीस सागर का अवतलन हुआ, क्या हुआ, तैतीस सागर का अवतलन हुआ, अवतलन हुआ। जब इसका अवतलन हुआ ना, तो यहां से दबाव बनना शुरू हुआ, कहां से, यहां से दबाव बनना शुरू हुआ। इसको जिससे अपन देखते ना, कभी आपके पास दरी हो तो देखना, उसको अपन दबाते ना ऐसे जोर से दबाते ना, तो दबाव के कारण है ना, इस दबाव के कारण यहां बन गया तिब्बत का पठार, है ना, ये बन गया अपना हिमालय, मतलब कि तैतीस, मतलब कि उन्होंने ये बताया। अब मैं सिंपल भाषा को लिखवा दूंगा, समझ में आया तो, है ना, तैतीस सागर मतलब कि तैतीस सागर में अवसाद के अवतरण के कारण दबाव, मतलब कि जो आस पास जो पूर्व की जो सीमाएं थी उसमें दबाव उत्पन्न हुआ, उससे क्या हुआ, जो अवसाद था, अवसाद का उत्थान हुआ, क्या हुआ, अवसाद का उत्थान हुआ, ठीक, उसी से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, अब मैं आपको इसको लिखवा देता हूं, ठीक है, एक बार देखना आप। अब लिखना, लिख दीजिए आप, देखो, होबर महोदय ने, होबर महोदय ने, होबर महोदय ने कहा, वर्तमान में, वर्तमान में जहां हिमालय थे वहां पहले तैतीस सागर हुआ करता था, ठीक है, पहला पॉइंट बताया, तैतीस सागर के, तैतीस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड, अंगारा लैंड एक और नाम जानते हैं, डोरेशिया लैंड, डोरेशिया लैंड तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। कोबर ने बताया, कोबर ने बताया कि इन दोनों भूखंडों में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती थी जो अपना, जो अपना अवसाद तैतीस सागर में गिराती थी, तैतीस सागर में गिराती थी, ठीक है। अब कोई समझ में आया होगा, गिराती थी, आड़ गिराती, और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया लाखों सालों से, लाखों सालों से चल रही थी, लाखों सालों से चल रही थी,
जिसके कारण 33 सागर में, 33 सागर में अवसाद का जमाव बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर अपन आगे वो लिखवा देता हूं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ। अभी आप इसकी छोड़ ले लीजिए एक बार, ठीक है, मैं थोड़ा सा और लिखवा रहा हूँ आगे। अवसाद के अत्यधिक एकत्र होने के कारण 33 सागर में अवतलन क्रिया प्रारंभ हुई, अवतलन की क्रिया प्रारंभ हुई और यह प्रक्रिया भी कई वर्षों तक चली। ठीक है ना, क्या आप लिखा? एक वक्त ऐसा आया कि अवतलन की क्रिया के कारण 33 सागर में सिकुड़न की प्रक्रिया होने लगी। पश्चिम इंडिया दबाव के कारण सिकुड़न के कारण अवसाद में वलन हुआ और वलन हुआ और यह और यह वलन ही आज का हिमालय है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, हाँ थोड़ा ज्यादा लिखा दिया होगा, लेकिन यहाँ सोचना तो पड़ेगा। अब देखो कुछ तथ्य मैं लिखवा देता हूँ इसी के लेके, मान लीजिए देखो, हाँ एक लाइन और लिख दीजिए, डायग्राम बना दो थोड़ा सा, एक हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना देना। देखो एक डायग्राम बना देना आप, कैसा यहां से क्या लेके आ रही है नदिया और साथ यहां से भी लेके आ रही है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, अवतलन, ठीक है ना। इधर क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है, दबाव, तो इधर भी दबाव। अब जो मलबा था ना अंदर अवसाद, उसका क्या हुआ, सिकुड़न, क्या हुआ, सिकुड़न, ठीक
तो कालांतर में क्या हुआ, ये तो गए तिब्बत का पठार, ये वृद्ध हिमालय, मतलब कि एक तो कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ इससे, कुनलुन पर्वत, तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय, तो ये अपना तीनों हिमालय, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम बना लेना है। अब मैं एक लाइन और लिख देना, फिर नोट डाल के बता वो सन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है, कहा जाता है पालना। कृष्ण आ जाए छोटा सा कि पर्वतों का पालना किसे बोलते हैं, तो भूसन्नति को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप तो ये ज्यादा बड़ी क्लास हो गई होगी, लेकिन यार पढ़ना तो पड़ेगा। तो आगे इसका एक कुछ सिद्धांत है, हेरी एज का सिद्धांत, हेरी एज का फेर विवर्तनिक सिद्धांत, वो अपन पढ़ेंगे। तो खत्म करें और पढ़ा दें, हाँ, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें आप। हम मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको लाभ हो ही रहे, तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। धन्यवाद, जय हिंद।